नहीं चाह रहे थे कि यहाँ गांव देहात के लोगों की वोट पड़ जाए। जो गंगा स्नान में लोग जाना चाह रहे हैं उस परंपरा का भी सम्मान नहीं करते। आप नहीं चाहते थे कि गांव देहात के लोग उनकी वोट वहाँ पड़ जाए। आप चाह रहे थे उस स्नान में व्यस्त रहे और यहाँ से हम चुनाव पे कब्जा कर लें। मुजफ्फरनगर जिले की विधानसभा मीरापुर पर 20 नवंबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां अलर्ट मोड पर हैं, जिसको लेकर जयंत चौधरी बुधवार को बेलड़ा गांव के इंटर कॉलेज में पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी और आरएलडी की संयुक्त प्रत्याशी मिथिलेश पाल के समर्थन में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान जयंत ने मंच से लोगों को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव के पीडीए पर तंज कसा और अपने शब्दों में पीडीए को परिभाषित करते हुए फुल फॉर्म बताते हुए पीडीए को पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ एरा गैरा करार दिया। हमारा जिनसे मुकाबला है वो तो चाह ही नहीं रहते कि आपकी वोट गिर पाए। जो पीडीए की बात करते हैं, पीडीए का फुल फॉर्म है पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ एरा गैरा। अब गैरों की क्या करोगे, जो गैल है उनका ख्याल रखो। कौन गैल रहा, मिथिलेश पाल आपके नहीं। जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोला। उन्होंने आयोग की ओर से चुनाव की तिथि बढ़ाई जाने पर अखिलेश यादव के बयान पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि मीरापुर में चुनाव की तिथियां बढ़ने से गंगा स्नान करने वाले लोग भी मतदान कर सकेंगे। गंगा स्नान पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बड़ा त्योहार है। अखिलेश यादव पश्चिम उत्तर प्रदेश आएंगे तो उन्हें गंगा स्नान का अपमान करने पर लोगों का विरोध झेलना पड़ेगा। वो नहीं चाह रहे थे कि यहाँ गांव देहात के लोगों की वोट पड़ जाए। उन्हें अच्छी तरह भली भांति मालूम है कि गंगा स्नान में कौन लोग जाते हैं, गांव के लोग, साधारण लोग। पहले तो बहुत बड़ी प्रथा थी, बैल वैल सजा के पूरी लेके चलते थे। हमारा तो यही पर्यटन भी है, यही आस्था भी है, यही धर्म है, यही परंपरा लंबी रही। तो क्यों उन्होंने विरोध किया इस बात का? मैंने देखा कि उन्होंने अखिलेश जी ने ट्वीट किया कि ये तो डर गए इसलिए चुनाव की तारीख घटा दी। वो ये भी कह सकते थे कि अच्छा निर्णय लिया। एक तरफ आप कह रहे हो संविधान खतरे में है और दूसरी तरफ जो संविधानिक संस्था है चुनाव आयोग, रोज उसको कटघरे में आप खड़ा करते हो। जयंत चौधरी ने कहा कि पीड़े की बात करते थे जो कहते थे कि संविधान खतरे में है। वो नहीं चाहते थे कि यहाँ गांव देहात के लोगों का वोट पड़े। उन्हें पता है कि गंगा स्नान में कौन लोग जाते हैं, गांव के सीधे साधे लोग, क्यों उन्होंने इसका विरोध किया। जो गंगा स्नान में लोग जाना चाह रहे हैं उस परंपरा का भी सम्मान नहीं करते, उस परंपरा को भी कभी आदर नहीं करते, अनादर कर रहे हैं वो लोग। जो कह रहे हैं कि क्यों तारीख टल गई, तारीख इसलिए टल गई कि मीरापुर के गांव की वोट वहां पड़ जाए बक्से में, ईवीएम में। जो ईवीएम में आप जिस ईवीएम को गाली देते हो और उस ईवीएम के लिए वोट मांगते हो। आप नहीं चाहते थे कि गांव देहात के लोग उनकी वोट वहां पड़ जाए। आप चाह रहे थे उस स्नान में व्यस्त रहें और यहां से हम चुनाव पे कब्जा कर लें। मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर चुनावी द्वंद शुरू हो चुका है। मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वोटरों को साधने की आजमाइश भी तेज हो गई है। सपा भाजपा से लेकर आरएलडी तक अपने प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए एड़ी से चोटी तक कदम लगाया जा रहा है। इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ भी 8 नवंबर को मीरापुर में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं।